हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये वो टेक्निक होती है जिस पे हम सेमन, जिसके अंदर एक लिविंग स्पर्म प्रेजेंट है, उसको हम कलेक्ट करते हैं किससे, किसी मेल से, देन फिर उस इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और ये सारा प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली हमने क्या करना है कि जो स्पर्म्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस कराना है किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ठीक है, और ये जो टेक्निक थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हो इस पर रिसर्च की गई थी डॉग्स के ऊपर। वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ किया था इन 1780 में, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उनका पर्पस ये था कि बस ये चेक करना है कि जो हम आर्टिफिशियली जो वहाँ से उस पर हम इस सैमन को कलेक्ट कर रहे हैं, सैमन क्या होता है, स्पर्म तो हो गए कि जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा, प्लस उसके सराउंडिंग में जो लिक्विड पार्ट रहेगा, तो वो आप कह सकते हो तो लिक्विड पार्ट प्लस स्पर्म क्या आप कह सकते हैं पूरा वो सैमन की फॉर्म पे लाएंगे। सैमन हुए जो एसेसरी लिक्विड मटेरियल जो स्पर्म के साथ क्या होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन उनको ये चेक करना था कि जो जेनेटिक मटेरियल या फर्टिलाइजिंग जो पावर है वो लिविंग स्पर्म में प्रेजेंट होती है या वो लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा था कि जो स्पर्मेटोजोवा होता है उसी में फर्टिलाइजिंग पावर प्रेजेंट होती है, सैमन जो लिक्विड पोर्शन होता है उस पर किसी तरह की फर्टिलाइजिंग पावर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, बट आज के टाइम पे जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसको हम दूसरे एंगल से यूज़ करते हैं कि जिससे हम आप कह सकते हैं जो बोवीन की कैटल की आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट करनी हो या हमें लार्ज नंबर ऑफ ब्रीडिंग करानी हो, तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या रहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, ये वो रहते हैं कि यहाँ पे आपको बुल की जो ब्रीडिंग है वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो बिल्कुल आप कह सकते हो लो हो जाएगी, या आप कह सकते हो आप एक्स्ट्रा लेवल पे जो एक्स्ट्रा एफर्ट पे आप बुल के ऊपर नहीं देने हैं कि भाई उसको हमने अच्छा मेंटेन करना है ताकि इसमें हम अच्छे से ब्रीडिंग करा सकें। तो उससे क्या होगा कि जो आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा, प्लस जो कॉस्ट है वो भी आपकी सेव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, सर्टेन डिजीज को स्प्रेड होने से भी रोक सकते हैं, जैसे जेनेटल डिजीज से कोई डिजीज अगर वो नेचुरल ढंग से करेंगे मेटिंग तो उस कंडीशन पे ये होगा कि डिजीज ट्रांसफ़र हो सकती है, बट हम आर्टिफिशियल ढंग से करेंगे तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं सैमन वगैरह या स्पर्म्स को, देन हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ जो है वो आगे जिसको हम स्पर्म इंट्रोड्यूस करें उसमें किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, देन इस पे हम क्या कर सकते हैं, जो सैमन डिजायर्ड साइज का जो होगा उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ पर्टिकुलर साइज। साइज का मतलब हो गया मेल पेरेंट। इस पे ये मतलब है कि अगर कोई एक बूल हम कह सकते हैं काफ़ी वो अच्छा करेक्टरिस्टिक पे है, अगर हम एक ही बार उसका सैमन कलेक्ट कर लें तो उसको हम टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चाहे उस बूल की डेथ भी हो जाए फिर भी हम उस सैमन को क्या कर सकते हैं प्रिजर्व करके टाइम टू टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन एक आप कह सकते हो मेजर बेनिफिट इसका ये भी रहता है कि हाँ इस तरह से बुल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आप कह सकते हो काफ़ी कॉस्ट लग सकती है, काफ़ी एफर्ट लग सकते हैं, बट अगर हमारे पास सैमन पहले से प्लट किया हो तो सैमन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, रूरल से हम अर्बन एरिया में ला सकते हैं, अर्बन से हम रूरल की तरफ क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इससे आप ये कह सकते हो कई बार क्या होता है कि जो बुल होते हैं या आप कह सकते हो जो काउ है उनके साइज पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है जिसपे उनको नेचुरल ढंग से ब्रीडिंग करने में क्या हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट हम इस आर्टिफिशियल ढंग से अगर सैमन को या स्पर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब उनके जो साइज़ की वेरिएशन है उसको हम ओवरलुक करके जो आर्टिफिशियल सेमिनेशन से हम क्या कर सकते हैं स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देन कई बार ऐसा भी होता है कि जब नेचुरल ढंग से उनको मेटिंग करनी हो तो कभी जो आप कह सकते हो कि जो फीमेल का हो है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करी, या मेल का हो है जो मेल का होगा मेल का हो जो बुल है वो भी फीमेल को सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करा, तो उस कंडीशन पे भी उनकी नेचुरल मेटिंग नहीं हो सकती। जैसे इस पर हमने कहा है कि अगर इंसेमिनेट करना हो तो रिफ्यूज़ करें स्टैंड, क्योंकि स्टैंड अगर वो प्रॉपर ढंग से होंगे
तभी जो मेल होगा वो फीमेल को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है या उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। देन इससे क्या हो सकता है कि हम रेट ऑफ कंसेप्शन को क्या कर सकते हैं, इनक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा कि ऐसे बुल जो जो ऐसी फीमेल आप कह सकते हैं कि जो बाई ओल्ड हो, हैवी हो, जो इंजर्ड हो, जो बाई नेचुरल ढंग से मेटिंग नहीं कर सकते, अगर हम उनका आर्टिफिशियल ढंग से इस सैमन या स्पर्म्स को क्लट करेंगे तो हम उसको आर्टिफिशियल ढंग से फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसपे हमें लाइव उस बुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन डिसएडवेंटेज क्या रहती है इस टेक्निक के, डिसएडवेंटेज ये इसके रहते हैं कि इसके लिए हमें वेल ट्रेंड आप कह सकते हो कि जो ऑपरेटर होगा वो चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडली जब हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है तो हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, सैनिटरी कंडीशन पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। अगर इन पे कहीं पे भी कोई आप कैसे ड्रॉबैक होगी तो वो डायरेक्ट उसकी फर्टिलिटी रेट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। देन अगर जिस बुल का हम सैमन ले रहे हैं अगर उसको प्रॉपर ढंग से एनालाइज नहीं किया है मेडिकली तो उससे क्या हो सकता है कि डिजीज ट्रांसफर हो सकती है आगे की तरफ, ठीक है। और फाइनली इससे क्या होगा कि जो बुल की मार्केट होती है वो काफ़ी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सैमन कलेक्शन मेथड, अब ये तो हम कह रहे हैं भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो है कि जिसपे हम सैमन को क्या करें, कलेक्ट करें। अब कौन कौन से मेथड्स हम सैमन्स को कलेक्ट करते हैं, तीन मेथड हैं। तीन मेथड में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये होता है आर्टिफिशियल वेजिना जिसको हम शॉर्ट में ईवी कहते हैं। सेकंड हो गया भाई इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन जिसमें हम माइल्ड उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उनका इजैकुलेशन पार्ट पे स्टिमुलेशन हो, वो अच्छे ढंग पे इजैकुलेट कर पाएँ अच्छे अमाउंट में। देन बाय मसाजिंग द एम्पुला जो मेल के सेमिनल वेजिकल वाला पार्ट या वेजिकुलर ग्लैंड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, रेक्टल वाल से हैंड डाल के उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसका जो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्टिव हो जाए, हार्मोनल लेवल एक्टिव हो जाए जिससे उसको इजैकुलेशन करने में हेल्प हो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिना, फर्स्ट हम बात करेंगे यूजफुल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिना की। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक डिज़ाइन किया हुआ है एक आर्टिफिशियल वजीना का, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ इसकी एक जैकेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस जैकेट में हम क्या फिल करते हैं, वाटर। अब वाटर का क्यों फिल करें, क्योंकि वाटर फिल करने से क्या होगा कि जैसे हम देखो कि जो बॉडी टेम्परेचर होगा इंटरनल वेजिना का वो कंपेरेटिवली क्या होगा, थोड़ा वार्म होगा। अगर हम आर्टिफिशियल वेजिना बना रहे हैं तो पूरी कंडीशन वैसे ही इस वेजिना पे इस एवी पे लाएंगे जो रिजेंबल खाएगी बिल्कुल एक नेचुरल वेजिना की तरह, ठीक है। हम इस पर आप कह सकते हो उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उतना ही प्रेशर मेंटेन करेंगे और उतने ही आप कैसे लुब्रिकेंट करेंगे ताकि बुल को ये एनालाइज ना हो कि वो नेचुरल ढंग से मेटिंग कर रहा है या आर्टिफिशियल ढंग से हम उसकी क्या करा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर जैकेट के अंदर हम इस पर एक यहाँ पे एक आप कह सकते एक इनलेट होता है जिससे हम वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने से इसका टेम्परेचर हम नियर अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस तक रखें ताकि वो इस पूरे इंटरनल पार्ट को वार्म या गर्म रख के रखें, ठीक है। देन यहाँ पे प्रेशर डेवलप करने के लिए फिर हम इसी वाटर के अंदर वाटर जैकेट के अंदर एक और इनलेट हो तो वहाँ से हम एयर इंस्टॉल करेंगे या एयर फिल करेंगे जिससे इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा और वो एक अच्छा प्रेशर मेंटेन करके रखेगा उस वेजिना के इनर वाले पार्ट पे, ठीक है। देन ये जो ट्यूब होती है ये दोनों साइड एंड से क्या होती है, ओपन होती है। एक एंड हम ओपन रखेंगे जहाँ से उसका हम पेनिस को इंसर्ट करवाएंगे और दूसरे एंड पे हम क्या कर देते हैं, कलेक्टेशन ट्यूब को हम क्या कर देंगे, एड आप कह सकते हो बाइंड कर देंगे जब उसके साथ अटैच कर दें ताकि जब भी यहाँ से उस पार्ट से इजैकुलेशन हो वो सारे ट्यूब के अंदर क्या हो जाए, कलेक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। देन सैमन कलेक्शन मेथड, ये तो हमने बात की आर्टिफिशियल वजीना हमने ले ली, अब किस तरह से हम सैमन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बुल को एक फॉल्स माउंटिंग करवाएंगे, ठीक है। माउंटिंग का मतलब कि जब एक जो कैटल है किसी दूसरे कैटल के ऊपर क्या कर जाए, आप कैसे तो ऊपर आ जाए उसके, तो वो आ जाएगी इसकी फॉल्स माउंटिंग। इससे क्या होगा, इस बुल के अंदर हार्मोनल स्टिमुलेशन आएगा जिससे उसके इजैकुलेशन करने में क्या होगी, हेल्प होगी, ठीक है।
सेकंड सस्टेंड इरेक्शन, जब इस तरह से हम एक या दो बार उसकी फॉल्स मोनिटरिंग कराएंगे, उसके अंदर हार्मोनल क्या आप कह सकते हो कि चेंजेस आ जाएंगे, जिससे जो उसका जेनिटल पार्ट होगा वो इरेक्शन पार्ट पे आ जाएगा। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आर्टिफिशियल वजीना होगा वो हम उसके जो कॉपुलेटरी पार्ट होगा, जो ऑर्गनों का पेनिस, उसके ऊपर हम वो इंसर्ट करवा देंगे, और तब तक उस होल्ड करके रखेंगे उसको हम अपने लेफ्ट हैंड से, जब तक वो वहाँ से पूरी तरह से वो इजैकुलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिया था, ये एक्चुअली एक डमी होती है, ये एक्चुअल काओ आप कह सकते नहीं होंगे, हम डमी को यूज़ कर सकते हैं या कोई और मेथड हम वहाँ ले सकते हैं, जिससे पहले बुल जो है वो थोड़ा एक्साइटेड हो, और एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा कि वो अच्छे अमाउंट पे जो इजैकुलेशन होगा वो कर पाएगा, ठीक है। देन सेमन स्टोरेज, जब ये प्रोसेस तो सारा हो गया, अब उसके बाद अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए उसके सेमन को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, तो हमारे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें और ईयर पर ईयर हम उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। और नियर अबाउट जो लेटेस्ट रिसर्च है उस पर 10 से 14 ईयर तक हम क्या कर सकते हैं, इसके सेमन को स्टोर कर सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है उस पर हम क्या ऐड कर देते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करेगा कि उसमें से सेमन जस्पर में से क्या करके एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देगा, ताकि जब हम उसको फ्रीज करें तो उनके अंदर किसी तरह के आप कह सकते हो आइस की फॉर्मेशन ना हो पाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो उनकी आप कहते सर्वाइवर रेट है उस स्पर्म का, काफ़ी लंबे समय तक क्या रह सकता है, ठीक है। दो तरह के मेथड हो सकते हैं फ्रीजिंग के, जस स्पर्म को स्टोर करने के, एक है ड्राई आइस एंड अल्कोहल, जिसपे हमने उनको -100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करना होगा, या लिक्विड नाइट्रोजन पे हम स्टोर कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर हो सकता है -320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और लिक्विड नाइट्रोजन का मोस्टली यूज़ करते हैं, ये प्रेफरेबल है क्योंकि इसके कंडीशन पे स्पर्म को स्टोर, जस्ट सेमन को स्टोरेज करने पे उस पर उसके फर्टिलिटी पावर पे किसी तरह की कोई आप कह सकते हो कि चेंज नहीं आता, वो ऐसे वैसे ही करेगा, मेंटेन रहेगा। पर ड्राई आइस और एल्कोहल पे फर्टिलिटी पावर की जितने लंबे समय तक रखेंगे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन सिम्टम्स ऑफ हीट, अब हमने सेमन्स को कलेक्ट भी कर लिया, स्टोर भी कर लिया, अगर हमें अब उसको यूटिलाइज करना है जिस फीमेल के काओ के अंदर में इंसर्ट करना है, तो हमें पहले उसकी आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट पता होना चाहिए कि वो अभी रिसेप्टिव फॉर्म पे है कि नहीं है। तो उस कंडीशन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तो एनिमल किस कंडीशन पे होना चाहिए, एक्साइटेड कंडीशन पे होगा तब हमें पता चलेगा हाँ भाई वो इस टाइम रिसेप्टिव फॉर्म पे है। अगर हम सैमन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो भाई फर्टिलाइजेशन पावर या आप कह सकते हो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे ढंग से हो सकती है और जो आगे ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अगर वो रिसेप्टिव फॉर्म पे नहीं होगा, हम अगर सैमन को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी यंग उसकी ऑफस्प्रिंग या फीटस की, ठीक है। इस पे क्या होगा, एक तो क्या कंडीशन हम देख सकते हैं सिम्टम ऑफ हीट के कि एक्साइटेड कंडीशन पे होगा एनिमल, रेस्टलेसनेस होगा, नर्वसनेस होगी, उस पे जो कैसे तो फूड जो इनटेक की कैपेसिटी होगी वो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। एक एनिमल जो होगा वो दूसरे एनिमल को क्या करेगा, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या करेगा, लिक करेगा या उनको स्मेल करेगा, ठीक है। एक जो एनिमल होगा वो दूसरे के ऊपर माउंट करने की कोशिश करेगा, मतलब कि दूसरे के ऊपर वो क्लाइम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो सकता है कि वो मैचुरेशन, अगर वो मैचुरेशन पार्ट पे है तो वो फ्रिक्वेंटली क्या करता रहेगा, यूरिनेशन करता रहेगा, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट या वल्वा वहाँ से क्लियर कट म्यूकस क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। जो वल्वा का पार्ट होगा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, टेल हमेशा उनकी कैसी रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, और मिल्क प्रोडक्शन उनका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब हमें ये सिम्टम किसी फीमेल वाले पार्ट पे नज़र आ जाएंगे काओ पे, तभी हम क्या करेंगे उस सैमन को उनके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी जो होगा वो प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये प्रोसेस पूरा दिखाएगा कि वो रिसेप्टिव फॉर्म पे है तो वो मेटिंग के लिए क्या है, वो रेडी है, ठीक है। देन
ये फिर आता है इसका लास्ट इंसेमिनेशन मेथड कि किस तरह से हम जो इंसेमिनेट जो आर्टिफिशियली ढंग से जो सैमन है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं क्या रेक्टो वेजिनल मैथड। ठीक है, जिसपे रेक्टस वाला पार्ट प्लस जो वेजिनल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो दोनों क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर होगा वो पूरे ढंग से अपने आप को पहले एक वेल क्लॉथ करेगा, आप कह सकते हो पूरी तरह से क्लॉथिंग करके एक पूरे किट के एक कह सकते हो पूरी एक किट प्रिपेयर करेगा जो उसके फ्रंट साइड उसकी आर्म पे पूरी तरह से क्या होगी उसको कवर करेगी। ठीक है, देन फिर वो क्या करेगा कि जो उसकी वो लेफ्ट आर्म होगी वो लेफ्ट आर्म को उसके रेक्टम वाले पार्ट से इंसर्ट करेगा आर्म को अंदर की तरफ, और ये क्या करेगा ये पूरा जैसे ही हाथ अंदर डालेगा रेक्टम पार्ट से तो ये एनालाइज करेगा कि जहाँ तक मुझे हाथ को इंसर्ट करना है वहाँ तक इसका सर्विक्स वाला पार्ट उसको टच होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इस हाथ से उसको सर्विक्स वाला पार्ट टच होगा तो वो अपने राइट हैंड से क्या करेगा जो वो आर्टिफिशियल गन जिसको हम कैथेटर कह रहे हैं जिसके अंदर हमने सैमन को फिल किया हुआ है वो फिर इसके वल्वा वाले पार्ट से क्या करेगा रिप्रोडक्टिव पार्ट से इंट्रोड्यूस करता हुआ कहाँ तक एक्सटेंड करेगा जहाँ तक इसका सर्विक्स पार्ट होगा। ठीक है, और इस सर्विक्स पार्ट को हमने कैसे लोकेट किया इसी हाथ से क्या किया लोकेट किया, देन फिर जैसे ही ये आर्टिफिशियल गन इसके सर्विस पार्ट तक आएगी तो हम यहाँ से इसको होल्ड करके जो सैमन होगा वो यहाँ से हम क्या कर देंगे डिस्चार्ज कर देंगे और यहाँ पे फिर क्या होगा वो फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तभी हमने कहा कि इस टेक्निक के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा आप कैसे तो एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है एज वेल एज जो आप कह सकते हो कि हमें इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की पूरी क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ तो करें बट इसके लिए हमें परफेक्ट नॉलेज होना भी क्या है ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि दो और मेथड होते हैं जिसपे हमने उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं मोस्टली इसके पेल्विक नर्व वाले रीजन वाले पे, उससे क्या होगा इसको थोड़े से हार्मोनल स्टिमुलस मिलेगी और वो भी इजैकुलेशन में उसकी क्या करेगा हेल्प करेगा। और थर्ड हमने कहा कि बाय मसाजिंग सेमिनल वेजिकल पार्ट ऑफ मेल या वेजिकल वेजिकुलर ग्लैंड को पार्ट को अगर हम रब करेंगे वो भी ऐसे ही होगा कि हम रेक्टम वाले पार्ट से जो हाथ होगा वो इंसर्ट करेंगे और लोकलाइज करेंगे कहाँ पे मेल का वो सेमिनल वेजिकल वाला पार्ट प्रेजेंट है या वेजिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट है वहाँ से वो हाथ से हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सा स्लाइटली रब करेंगे जिससे क्या होगा उसका हार्मोनल लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा उसको स्टिमुलस मिलेगा और इजैकुलेशन करने में उसको क्या होगी हेल्प होगी। ठीक है, ये था आज का टॉपिक कौन सा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल। आई होप आपको समझ आया हो, अगर प्लीज़ आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप क्या करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।